नमस्कार साथियों, पिछले 14 साल के भारतीय जनता पार्टी के एनसीडी में भ्रष्टाचार और अक्षमता के कारण जो पूरी की पूरी एनसीडी का दिवालियापन निकल चुका है, उस दिवालियापन की भरपाई भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कोरोना काल के अंदर जो पूरी की पूरी आपदा आई है उसको एक अवसर में बदलने में लगे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के अंदर किसी भी कर्मचारी को, चाहे वो कोरोना के लिए लड़ रहे, कोरोना से लड़ रहे डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, टीचर हो, सफाई कर्मचारी हो, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, कोई भी ऐसा कर्मचारी, चाहे वो ए क्लास का हो, चाहे वो बिल्कुल ही बेलदार हो, किसी को भी सैलरी नहीं मिल रही है। किसी भी कर्मचारी को कोई सैलरी नहीं मिल रही है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भ्रष्टाचार। और इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए पिछले 14 साल से जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की एमसीडी को बर्बाद किया है, उस पूरे के पूरे उसकी भरपाई करने के लिए पिछले कई महीनों से आप लोगों ने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता को का खून चूसने का प्रयास कर रही है। हर बार, हर महीने, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में आप देख रहे होंगे कि वो टैक्स बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। साउथ एमसीडी के अंदर टैक्स बढ़ाया उन्होंने, नॉर्थ एमसीडी के अंदर कोशिश कर रहे हैं, ईस्ट एमसीडी के अंदर कोशिश कर रहे हैं, और आज साउथ एमसीडी के अंदर एक ऐसा प्रस्ताव भी नहीं बल्कि नोटिफिकेशन इन्होंने ऐसा इश्यू कर दिया जिससे इस कोरोना काल के अंदर दिल्ली के जो बिजनेसमैन हैं, दिल्ली के जो लोग अपनी मेहनत से, दिन रात की अपनी मेहनत से जो लोग कमाई कर रहे हैं, उनका एक तरीके से मनोबल भी तोड़ रहे हैं और उनका कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चोर दरवाजे से एक टैक्स दिल्ली की जनता के ऊपर, साउथ एमसीडी की जनता के ऊपर लेके आ रहे हैं, जिसके तहत लगभग 20 से 25 हजार, जी हाँ, 20 से 25 हजार जो बिजनेसमैन लोग हैं, जिनकी जो काम है, काम धंधे हैं, उनको पूरी तरह से डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है। बहुत सारे जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ाने का प्रस्ताव लेके आए, मतलब प्रस्ताव पास कर दिया है, टैक्स बढ़ा चुके हैं। जितनी भी कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स हैं, रेंटेड हैं, जो पहले टैक्स लगता था और जो अब टैक्स बढ़ा रहे हैं, वो लगभग 100% टैक्स बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो भी रेंटेड है उसका टैक्स 100% बढ़ा दिया। कमर्शियल बिल्डिंग जो कि वेकेंट है, अंदर कुछ नहीं है, खाली है पूरी तरह से, उसका टैक्स इन्होंने 50% बढ़ा दिया। वेकेंट लैंड जो कि रेजिडेंशियल, किसी का जमीन खाली पड़ी हुई है, कमर्शियल कोई जगह है वो खाली पड़ी हुई है, फार्म हाउस किसी का वो खाली पड़ा हुआ है, तो उस पर इन्होंने 67% टैक्स बढ़ा दिया। 67%। बैंक्वेट हॉल है, सबको पता है कि दिल्ली की जनता जो गरीब लोग हैं वो बारात घर, बैंक्वेट हॉल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है। बैंक्वेट हॉल, बारात घर, होटल, गेस्ट हाउस, इसके ऊपर 25% टैक्स बढ़ा दिया। 25%। स्कूल, इंस्टीट्यूशनल जो कि एजुकेशन साइट्स हैं, जो कि कैटेगरी ए से लेके एफ के बीच में फॉल करते हैं, उसमें लगभग 200% टैक्स बढ़ा दिया। टेलीकॉम टावर्स जो कि साउथ एमसीडी के अंदर लगे हुए हैं, उनके ऊपर 200% टैक्स बढ़ा दिया। क्लब, एंटरटेनमेंट के सारे साधन हैं, उन सब के ऊपर लगभग 36% टैक्स बढ़ा दिया। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली साउथ एमसीडी के अंदर आने वाले 20 से 25 हजार जो कि कमर्शियल यूनिट्स हैं, उनके ऊपर इन्होंने
मन माने तरीके से टैक्स बढ़ाया, 100%, 200%, 67%, 50%, 36%, बारात घर, गेस्ट हाउस, होटल, कमर्शियल बिल्डिंग, खाली जगह, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है जिसके ऊपर इन्होंने टैक्स न बढ़ाया हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा गुनाह वाला काम हो गया, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमानवीय वाला काम हो गया। एक समय जब पूरी देश, पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, पिछले 8 महीने से दुकानें नहीं खुली हैं सही तरीके से, सबके बिजनेस फॉल हो गए, लोग बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं, लोगों का दिवालिया निकला पड़ा हुआ है, और ऐसे समय में इस तरीके से अमानवीय तरीके से टैक्स बढ़ाना, ये बहुत ही गलत है, बहुत निंदनीय है, और ये भारतीय जनता पार्टी का जो असली चरित्र है उसको ये दर्शाता है। जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शासन में आई थी 2017 के एमसीटी चुनाव के अंदर, तब उनके मुखिया उस समय के मनोज तिवारी जी ने कहा था कि वो कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई भी टैक्स बढ़ाएंगे नहीं। लेकिन आज उनकी पूरी की पूरी पार्टी दिल्ली की जनता का खून चूसने में लगी हुई है। पिछले साल भूपेंद्र गुप्ता जो कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने भी सारे के सारे प्रस्ताव कैंसिल किए, उन्होंने कहा कोई टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज चोर दरवाजे से दिल्ली की जनता को लूटने का प्रयास शुरू कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 14 साल से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और अक्षमता से जो स्थिति पैदा हुई दिल्ली के अंदर, दिल्ली एमसीटी के अंदर, उसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता का खून चूस के करना चाहती है, जो कि बहुत गलत है, आम आदमी पार्टी से होने नहीं देगी। आम आदमी पार्टी इसको लेकर जनता के बीच में जाएगी और जनता को मोबिलाइज करेगी। हमारे साथ साउथ एमसीटी के एलओपी हैं, वो भी बात करेंगे। साउथ एमसीटी में मेयर अनामिका जी ने अभी कुछ चंद दिन पहले ही आप सबके माध्यम से एक बात रखी थी कि हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं निगम को, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये रास्ता नहीं है आत्मनिर्भर बनने का। हमने उनको पहले भी बोला था, अगर आपको हमसे क्लास लेनी है तो हम तैयार हैं आपको देने के लिए कि आत्मनिर्भर कैसे बना जाता है। ये तरीका नहीं है, इस तरीके को तो दिल्ली की जनता का आप खून पीने का काम कर रहे हो, खून चूसने का काम कर रहे हो। भाजपा के जो नेता वहाँ बैठे हुए हैं, ये किसी भी तरीके से बस एक रास्ता ढूंढते हैं कि दिल्ली की जनता को कैसे तंग किया जाए, कैसे परेशान किया जाए, कैसे इनकी जेब और काटी जाए। तो इस तरीके का जो काम है ये भाजपा करना बंद करे। और लास्ट ईयर जब भूपेंद्र गुप्ता जी स्टैंडिंग चेयरमैन थे तो उन्होंने घोषणा की थी बजट स्पीच में, बाकायदा है, आप सबको प्रोवाइड करा दी जाएगी, उसमें हर जगह उन्होंने कहा है कि हम हर तरह के ये जो टैक्स है, जिस जिस जगह पे उन्होंने टैक्स लगाए वहाँ पर घोषणा की थी कि इस सबको हम निरस्त करते हैं। तो आज ये कहाँ से बन रही है, ना किसी की सुनते हैं ना किसी की मानते हैं, इनका सिर्फ एक ही काम है कि कुछ भी करके पैसा इकट्ठा करके और भ्रष्टाचार करो। भारतीय जनता पार्टी का जो ये मनमाना तानाशाही रवैया है, इसको दिल्ली की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और हम इसका विरोध करते हैं। कोई प्रश्न है तो लगभग 25,000, 20 से 25,000 कमर्शियल बिल्डिंग्स, कमर्शियल यूनिट्स जो हैं, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो क्लब हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट्स, ये सारे बारात घर हैं, इन सब के ऊपर प्रभाव पड़ेगा इसका। लगभग 25,000 इसका इन्होंने नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया इसका, ये 31 तारीख का है, इस पर कोई चर्चा नहीं है, ऑलरेडी इन्होंने कर दिया, ये इसी पिछले महीने का अगस्त, ये नोटिफिकेशन कल परसों पब्लिक हुई है, इससे पहले इन्होंने फाइल में रखी हुई थी। नहीं, इस पे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 6 महीने, 5 से 6 महीने हो गए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हैं, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है। और उसका एक ही कारण है कि 14 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी को चला रही है, और 14 साल से उन्होंने एमसीडी का एक तरीके से दिवालियापन निकाल दिया। उसका एक ही कारण है, उनका भ्रष्टाचार और उनकी अक्षमता। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर अपने बजट को बिना कोई टैक्स बढ़ाए 30,000 करोड़ से
7,000 करोड़ कर सकती है, तो एमसीडी का बजट हर साल कम क्यों होता चला जाता है? एमसीडी का हमेशा लॉस में क्यों जा रही है? एमसीडी अपने कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं दे पा रही है? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम मांग करते हैं, हम इसके लिए अभी कुछ दिन पहले 5-7 दिन पहले ही हम लोग सिविक सेंटर पर धरने पर भी बैठे थे उन कर्मचारियों को न्याय के लिए, और हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको जल्द से जल्द सैलरी रिलीज करें। मैं कह रहा हूँ वो छोड़ दें एमसीडी, उनके बस की नहीं है एमसीडी चलाना, हर बार झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, वो आ जाएं हम इसी पैसे से सबकी सैलरी दे देंगे, वो छोड़ दें एमसीडी, उनके बस की नहीं चलाना।